सरकार ने वर्ष 2009 से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम चलाया है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों को शुद्ध पेयजल मुहैया करवाया जाना है। वाराणसी जनपद के चोलापुर ब्लॉक के जगदीशपुर गांव में 1000 आबादी के बीच सिर्फ एक हैंडपंप होने से मंजू देवी सहित कुल 1000 लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या समस्या होती है आंटी आपको? समस्या होती है कि चापाकल एक है, पानी नहीं मिल पाती है, चापाकल बिगड़ जाता है तो फिर बनवाने में 10 दिन 15 दिन 8 दिन लगता है, तो फिर तो पानी बदे यहाँ वहाँ दौड़ल जला, तो गाय भैंस वैसे रह जाती है, बकरी वैसे ही रह जाती है, पानी बिना लड़का बच्चा स्कूल ना जा पाते हैं, खाना पीना ना बन पाते हैं टाइम से। एक हैंड पाइप हम लोगों के बीच में है तो वो कभी बिगड़ भी जाता है तो उसको बनवाने में 7 दिन 8 दिन 10 दिन लग जाता है, और वो जब बनेगा तभी तो चालू होगा, तो हम लोगों को पानी दूर से लेना पड़ता जाकर, तो और समस्या होती थी हम लोगों को, तो प्रधान से कहा जाता था, सेक्रेटरी से कहते थे हम लोग, तो फिर जाकर वो बनता था, और हम लोग कई बार ब्लॉक पर गए, हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं होती। वाराणसी जिले के चोलापुर ब्लॉक के जगदीशपुर गांव में पिछले 6 महीने पहले हमने पानी की समस्या पर एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो को बनाने के बाद मैंने ग्राम पंचायत अधिकारी, ब्लॉक अधिकारी, सेक्रेटरी द्वारा मैंने अपने गांव की समस्या को उनके सामने रखा और उन्होंने हमें 2-3 महीने का आश्वासन दिया। इसी बीच भारतीय मूल के अमेरिका में रहने वाले हरविंदर सिंह जी ने मेरी और भी और गाँवों की समस्याओं को उन्होंने पूछा, तब मैंने जगदीशपुर गांव की समस्या पर वीडियो उनको फिर भेजा, उन्होंने देखा, उसके बाद अपने दोनों भाइयों रंजीत सिंह एवं सत्यपाल सिंह द्वारा भेजकर जगदीशपुर गांव में समर सेबुल लगवाकर बदलाव हुआ। यहां समर सेबुल जो लगवाई है अब आराम से हम लोग पानी भी ले लेते हैं और हमारे गुरु चौगा भी पी लेते हैं, हम लोग भी पी लेते हैं, अब हम लोग के बाल बच्चा जो भी हैं अब वो संतुष्ट हैं, इससे कि मतलब हम लोग कहीं दूर जाना नहीं है, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका कपड़ा वपड़ा भी धोआ जाता है समय से। अब आप अलिन तो हम लोग का समस्या देख के अब ब्लॉक पर कहाँ कहाँ दौड़ने तो हम लोग के समरसेबुल लगवाएँ तो हम लोग के पानी की व्यवस्था भर, तो हमार गोरू चौगा भाई सब सुखात रहने तब अच्छा से सब पियत बखात बा, बच्चे लोग स्कूल जाते हुए, पति भी काम पर जाते हुए, समय से खाना बन जाता होता है, तो इस समस्या हमने कहा आप आई नहीं तो यहाँ पर हमने कहा हर कहीं समस्या, आपके बहुत बहुत धन्यवाद दिए हम लोग के बहुत उपकार किए आपकी, अब कितनी सराहना की जाए वो कम है, अब हम किस तरीके से आप लोग का शुक्रिया अदा करें, और उन संस्थाओं को भी हम धन्यवाद देते हैं। हरविंदर सिंह जी एवं उनके दोनों भाइयों रंजीत सिंह जी एवं सत्यपाल सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिनके माध्यम से मैं इस गांव में बदलाव ला पाई हूँ। तो मैडम कोई भी है उसका भी दिल पसीज जाता है जब लोग पानी की वजह से तरह तरह कर रहे हों। मेरे बड़े भाई साहब हरविंदर सिंह ने यूएसए में देखा और उन्होंने हमें बताया कि यार वहाँ जाकर समस्या समझ के और क्या बात है। मैं शबनम, वाराणसी जिले के उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।